तो भाई फाइनली आ गया हूँ बस स्टॉप पे, यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये टिकट देख सकते हैं, इन्होंने मुझसे लिया 2050, 50 जेब में डाल लिए होंगे। तो भाई फाइनली किर्गिस्तान का एग्ज़िट लगा दिया है, बहुत कुछ देखने के बाद अब देखो कजाकिस्तान वाले पे क्या होता है एंट्री पे। ये रहा भाई मेरा हॉस्टल, कुछ इस तरह का अच्छा इन्होंने सेटअप करके रखा है। यहाँ पे पूल भी छोटा सा बना रखा है, इधर भी बैठ सकते हैं उधर भी बैठ सकते हैं, लैपटॉप वगैरह पे काम करना है। अंदर हॉस्टल है, गजब का है। तो भाई फाइनली आ गया हूँ बस स्टॉप पे, यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ 286 बस नंबर का। और इस तरह का बस मुझे चाहिए, वही पकड़ के निकल जाऊंगा टर्मिनल, बस टर्मिनल। तो भाई बस का इंतज़ार करते करते बस नहीं मिला तो टैक्सी कर लिया 100 सोम का, और यहाँ से सीधा लेके जाएगा बस टर्मिनल। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन मुझे जल्दी आना है क्योंकि मुझे हॉस्टल भी चेकआउट करना है 12 बजे से पहले, इसलिए मैं टैक्सी कर लिया। भाई रूबल का रेट उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान यूरो। ये रहा टर्मिनल, वेस्टर्न टर्मिनल। मुझे इस साइड जाना है टास्कंड के लिए, बस लेने के लिए आगे देखता हूँ। उधर है टर्मिनल 3, वही से लिखा है ना, वहाँ से मिलेगा टास्कंड के लिए बस। तो ये रहा अब तो बुक, यहाँ का नाम स्टेशन को अब तो बुक करते हैं। यहाँ पे लोग पूछेंगे आपसे कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो, जैसे इंडिया में पकड़ लेते हैं ना। हाँ वाह वाह वाह, वैसा कुछ है सिस्टम। यहाँ पे तो ये वाली बस दिख रही है यार, बढ़िया वाली बस नहीं दिख रही है कोई यहाँ पे। पूछना पड़ेगा। तो भाई मैंने टिकट तो ले लिया है, और ये टिकट देख सकते हैं, इन्होंने मुझसे लिया 2050, 50 जेब में डाल लिए होंगे क्योंकि यहाँ पे 2000 का रसीद दिए हैं और 2050 लिए हैं टास्किन के लिए। पासपोर्ट लिया और बस कुछ नहीं, 7 बजे का टिकट है। और ये रहा टिकट काउंटर, यहाँ से मैं टिकट लिया हूँ और अभी बाहर की तरफ निकल रहा हूँ। मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। आज 9 तारीख है, 9 तारीख को मुझे यहाँ से निकलना है। ये रहा, यहाँ पे आपको आना है, ठीक है। क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस ये जान लो वेस्टर्न टर्मिनल है, यहीं से बस चलेगी। और टिकट मैंने ले लिया, 7 बजे मेरी जो है बस है, हमको 5 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाना है, तो मैं आ जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं है। भाई टिकट लेके मैं यहाँ पे कुछ रिसर्च कर रहा था, तो ये यहाँ पे टर्मिनल देख सकते हैं 11, 12,
ये प्लेटफॉर्म नंबर है क्या, पता नहीं क्या है, 13। और टिकट पे देखे लिखा है ये मेरे ख्याल से टर्मिनल नंबर 29। तो यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा, 7 बजे की मेरी बस है, तो देखते हैं। मैंने ट्रांसलेट यूज़ किया तो वो टिकट नंबर था और मेरा प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, ये 4 है। मेरी रात में यहाँ पे बस आएगी, यहीं से मुझे निकलना है। तो फिलहाल फिलहाल अब निकल रहा हूँ हॉस्टल। पहले नंबर तो नहाऊँगा धोऊँगा, उसके बाद रात में 5 बजे 3-4 बजे यहाँ वहाँ से निकल लूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा। तो भाई फाइनली मैं आ गया हूँ बस स्टेशन। अभी तकरीबन हो रहे हैं 5:30, मेरी बस है 7:30 बजे की। और ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 5, टास्कंड की बस खड़ी हुई है और मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। अब आपको मिलेंगे सीधे बॉर्डर पे, जो जो चीज़ होगा बताएंगे। फ़िलहाल बहुत थक गया हूँ, बैग टांगे टांगे दिमाग ख़राब हो गया है। भाई बस तो अच्छी है बट स्लीपिंग नहीं है, स्लीपर बस नहीं है भाई, प्रॉब्लम ये है। लेकिन बस एक नंबर की है, अंदर गया था देख के आया हूँ, ये खड़ी है। वो वाली मुझे लेना चाहिए था डबल डेकर, लेकिन लेडी वो समझने को तैयार ही नहीं है। अब तो 2,000 रुपये का टिकट, 200 2,050 रुपये एक्स्ट्रा ली, अब उससे बहस क्या करना, वो लैंग्वेज ही नहीं जानती है। और बस नंबर ये है, 2 घंटे बाद जाएगी भाई, और हम यहाँ पे बैठ के आराम कर रहे हैं। 2 घंटा पहले मैं आ गया हूँ, हमेशा 2 घंटा पहले पहुँच जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे जाके देख लूँ। तो अभी यहाँ पे वेट करेंगे टास्किन के लिए, जब टाइम हो जाएगी तो बस के अंदर जाएंगे। वैसे बस अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल एसी बस है। अब 7:30 बजे यहाँ से निकलेगी और सुबह में पहुँचाएगी कितने बजे ये नहीं पता है। एक थी 9:30 बजे की और एक 3:30 बजे दोपहर की थी। 3:30 बजे वाले में 2 इंडियन थे, वो दोनों चले गए। 7:30 बजे वाला मैंने लिया है और 9:30 बजे का भी था, बट मैंने 7:30 बजे का लिया है। खाना पीना खा चुका हूँ और कुछ लिया नहीं हूँ, अभी देखता हूँ कुछ लेने लायक हो तो रख लेता हूँ। और फिलहाल ये है बस स्टॉप टर्मिनल 3, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे 6-7। टिकट आपको अंदर मिलेगा, इस साइड टिकट मिलेगा आपको, अंदर जाएंगे पता चल जाएगा। टास्कंड तजिकिस्तान रशिया का टिकट इधर मिलता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे और बात करेंगे आपसे। तो भाई किर्गिस्तान से अभी मैं टास्किन के लिए जा रहा था और बीच में कजाकिस्तान का इमिग्रेशन ऑफिस, मतलब कजाकिस्तान होके जाएगा, यहाँ पे चेक पॉइंट पड़ा है। यहाँ पे मुझे किर्गिस्तान से कजाकिस्तान इंटर होना पड़ेगा, अब देखते हैं। यहाँ पे भी मुझे नहीं पता था कि कजाकिस्तान इंटर होके जाएगा। तो कुछ इस तरह का नज़ारा भाई, कजाकिस्तान में दोबारा इंटर हो रहा हूँ, मतलब 3 बार एंट्री लेना पड़ेगा मुझे। जो भी होगा इमिग्रेशन पे आपको बताएंगे। तो भाई कजाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है यार, डबल एंट्री हो जाएगी, दोबारा भी एंट्री लेनी पड़ेगी। तो भाई फाइनली किर्गिस्तान का एग्ज़िट लगा दिया है, बहुत कुछ देखने के बाद अब देखो कजाकिस्तान वाले पे क्या होता है एंट्री पे। और कुछ इस तरह का यहाँ पे हो रहा था, एग्ज़िट यहीं पे लगा है। तो भाई फाइनली एंट्री मिल गई है। अरे यार बहुत देर तक परेशान हुआ, 1 घंटा तो देख रहा था क्या क्या चीज़ हुआ क्या नहीं हुआ, क्या नाम है, कहाँ से हो, क्यों जा रहे हो टास्किन। फाइनली पूछा नाम क्या है, लास्ट नेम
आलम बताया। अरे मुस्लिम, यस, अस्सलाम वालेकुम। छोड़ दिया इसके बाद, कह रहा ठीक है वेलकम वापस। उसके बाद कुछ नहीं कहा, सीधा आ गया, कुछ भी, कोई क्वेश्चन नहीं, फ़ोटो देखा, बस नाम पूछ रहा था बार बार, स्कैन कर रहा था, पूरा पासपोर्ट स्कैन किया और फाइनली कजाकिस्तान में दोबारा इंटर हो गया हूँ। अब यहाँ से सीधा टास्केंट जाऊँगा और फिर आपको बताऊँगा। बहुत ही स्मूथ इमिग्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ट्रांजिट वीज़ा पे मैं आया हूँ बॉर्डर से, तो आप भी इस तरह से आ सकते हैं। अगर मैं आ गया हूँ तो भी आप भी आ सकते हैं। आपको सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ, इमिग्रेशन पे, हालांकि वहाँ वीडियो बना रहा था, किसी ने मना कर दिया मत बनाओ, पीछे मेरे बंदा था कोई कि यहाँ पे अलाउ नहीं है, मुझे नहीं पता था, मैं बना भी लिया, मैं आपको वीडियो में दिखा भी दूँगा। फाइनली फिर से बस में वापस जा रहा हूँ, अब सीधा टास्केंट में मिलेंगे आपसे। बिल्कुल स्मूथ था इमिग्रेशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। किर्गिस्तान इमिग्रेशन पे भी एग्ज़िट आराम से लग गया और कजाकिस्तान में भी दोबारा एंट्री लिया हूँ। अभी तिबारा भी लेना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो भाई अभी रात के 12:30 बज रहा है और हम पहुँच गए हैं ढाबा पे। हम लोग ढाबा ही बोलते हैं होटल, यहाँ पे लोग टॉयलेट वगैरह कर रहे हैं और मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उनसे बातें कर रहा हूँ, क्योंकि नींद यार बहुत ज़ोर से आ रही थी और बस ला के रोक दिया, दिमाग ख़राब हो गया, कसम से बता रहा हूँ। अभी मैं हूँ कजाकिस्तान में और सुबह के 7 बजे टास्केंट पहुँचूँगा, तो मैंने सोचा ये भी वीडियो बना लिया जाए। जब बना रहा हूँ तो सब कुछ आपको दिखाऊँ। और अभी ठंड लग रही है यहाँ पे यार, जैकेट चाहिए था, देखो मेरे पीछे सब जैकेट पहने हुए, बहुत तेज़ ठंड लग रही है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर एकदम डाउन है। और बैग मेरा सब बस के अंदर है, नीचे लगेज पड़ा हुआ है, सब कुछ उसमें है, वैसे भी जैकेट नहीं लेके आया हूँ। तो अब टास्केंट पहुँचने के बाद ही आपसे बताएंगे। एक्चुअली मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब आप किर्गिस्तान अगर आप ट्रांजिट वीज़ा से आ रहे हैं ना, तो आप रजिस्ट्रेशन जो होता नहीं, रजिस्ट्रेशन होटल रजिस्ट्रेशन आपसे पूछेंगे। अगर बाय द वे आपसे पूछेंगे, मुझसे भी पूछा था, लेकिन मैंने बोला कि 5 दिन से अगर कम है तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, होटल वाले ने मुझे फिर भी बताया था, तो किसने बोला, उसने बोला ठीक है ओके कर दिया, चला आया मैं, बस यही था। तो फिलहाल अभी रखता हूँ और कुछ इस तरह का नज़ारा। एक बात और आपसे बताना था, अगर आप किर्गिस्तान से कजाकिस्तान हो तो कुछ करेंसी अपने पास ज़रूर रखो। बाथरूम वगैरह अगर जाना हो तो कम से कम 20 सोम आपसे लेंगे, तो कम से कम 100 सोम तो आप रख के लेके आओ, या खाना पीना हो तो उसके लिए ही, नहीं तो आप एक भी पैसा नहीं रखोगे, या तो फिर आप टेंगे रखो। मेरे पास 10,000 टेंगे पड़े हुए, अगर मैं कुछ खाना चाहूँ तो खा सकता हूँ, और मेरे पास 50 सोम थे, हालाँकि मैं यूज़ कर लिया, बार बार बाथरूम जा रहा हूँ, ठंड लग रही है। तो आप भी अगर आपके पास कुछ करेंसी पड़े रहेंगे ना तो आपके काम में आएंगे, तो आप ये चीज़ रख लीजिएगा, तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे कुछ इस तरह का होटल आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको लेके आएंगे, खाना पीना आप यहाँ पे खा सकते हैं। होटल तो ठीक ठाक है, सुंदर, तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ कुछ खाने, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पेट भरा हुआ है। अंदर कुछ इस तरह का नज़ारा है भाई, बढ़िया बना रखा है। तो ये सारी चीज़ें थी, करेंसी अपने पास ज़रूर रखना, सोम या फिर टेंगे याद रखना भाई, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। आगे उधर शायद फ्रूट्स है, देखते हैं क्या क्या चीज़ रखा है। फ्रूट्स मैं आईफोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरा निकालने की हिम्मत नहीं है मेरी। कुछ सेब, यहाँ का सेब यार बहुत खट्टा है यार, खा के मैं चेक किया हूँ, ठीक ठाक है। तो अगर आप चाहें तो फल फ्रूट भी खा सकते हैं। कमर में दर्द हो रहा भाई बस में बैठे बैठे। मैं तो आपसे कहूँगा, अगर आप किर्गिस्तान से टास्केंट आ रहे हैं तो सबसे इजी वे मैं आपको बता रहा हूँ, आप अलमाटी चले जाओ, अलमाटी से ट्रेन पकड़ लो भाई, क्योंकि ये
स्लीपर बस नहीं है भाई, मेरे ख्याल से स्लीपर बस नहीं चलता है टास्कन से। अब वो पता कर लेना, मैं पता नहीं क्या टिकट डायरेक्ट लिया, टिकट जो दिया तो एक लैंग्वेज किसी को आती नहीं है, इंग्लिश इंग्लिश, तो प्रॉब्लम होगी रात में, आप भी सो नहीं पाएंगे। मेरी तरह से नींद आती है लेकिन कभी कमर दर्द कर रहा है, कभी पैर दर्द कर रहा है, दिमाग का एकदम से दही हो चुका है। अब सीधा मैं मोबाइल ऑफ कर रहा हूँ और कैमरा निकाल के सीधा टास्कंड में आपसे बात करेंगे। तो फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए। फिर मिलते हैं आगे।